दिल से बुलाए मानसु कुमार आया था। हम लोग दोस्त एरोमेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। एरोमेटाइजेशन तो एरोमेटाइजेशन प्रोसेस में दोस्त हम लोग बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो व्हेन, सबसे पहले दोस्तों हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो व्हेन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन सिक्स कार्बन एंड सेवन कार्बन इज रिएक्टेड विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एल्यूमिना इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड 10 से 15 एटीएम प्रेशर देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड। तो डेफिनेशन बोलते हैं दोस्त, जब एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो धारण करता है 6 कार्बन और 7 कार्बन, तो वह प्रतिक्रिया करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में और 10 से 15 एटीएम प्रेशर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। तो एलिफेटिक का मतलब हो गया दोस्त ओपन चेन, जिसको एनिमल के फैट से ऑब्टेन करते हैं उसको एलिफेटिक बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया जो जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एटेट का मतलब जुड़ा हुआ हो गया, तैगेसक हाइड्रोकार्बन जो जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो 6 कार्बन का दोस्त एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच और ये हो गया दोस्त 6 कार्बन। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है और यह प्रतिक्रिया कर रहा है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ। टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 10 से 15 एटीएम है। अब देखिए दोस्त, टेम्परेचर बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो होने वाला फिजन हमारा होमोलाइटिक फिजन कहलाएगा। यहां पर एक हाइड्रोजन दोस्त, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन। तो छह कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सरफेस के रूप में एन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन का। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ये क्लोज चेन बन गया हमारा दोस्त कुछ इस तरीके से। तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये हो गया चार बॉन्ड। तो सभी कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो फिलहाल दोस्त हम लोग एक हाइड्रोजन को फैला रहे हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर फैला दिए, फिर एक हाइड्रोजन को यहाँ पर फैला दिए और फिर एक हाइड्रोजन को यहाँ पर फैला दी। अब देखिए दोस्त, एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब देखिए दोस्त, क्लोज चेन था तो यहाँ पर क्लोज चेन बना दिए। अब ये फ्री रेडिकल, ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल और इस कार्बन के पास फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखा दिए। फिर सिग्मा बॉन्ड था तो सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड था तो सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर फिर से बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर H2 बन गया। तो एक एक H2, दो H2 और ये हो गया तीन H2 और ये हो गया हमारे एक और H2। तो टोटल H2 दोस्त चार ठो बन गया। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग। तो जब हेक्सेन प्रतिक्रिया करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 10 से 15 एटीएम प्रेशर पर, तब इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लोहेक्सेन बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा एरोमाटाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त, ये हमारा कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये हो गया दोस्त छह कार्बन और ये हो गया हमारा सात कार्बन।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन। तो इस कार्बन के पास दोस्त एक ठो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। अब देखिए दोस्त, सात कार्बन के लिए रूट वर्ड योग्य सातवां कार्बन, तो सात कार्बन के लिए रूट वर्ड हेप्ट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हेप्टेन। तो जब हेप्टेन प्रतिक्रिया करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 10 से 15 एटीएम प्रेशर पर। अब देखिए दोस्त, ये हमारा हाई टेम्परेचर है तो होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाएगा, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। तो एक बॉन्ड को तोड़े, दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब देखिए दोस्त, सिंगल डैश था, यहाँ पर सिंगल डैश लिख दिए, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन था तो यहाँ पर छह कार्बन बना दिए। अब देखिए दोस्त, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना लिया। अब देखिए दोस्त, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। देखिए दोस्त, इसका नाम हो गया, एक नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1-methylcyclohexane। नंबर अल्फाबेट है तो दो हटो का साइन दे दिए, एक नंबर पर मिथाइल है तो एक मिथाइल लिख दिए, क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन है तो छह कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स लिख दिए, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1-methylcyclohexane हो गया। अब एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। सबसे पहले दोस्तों 1-methylcyclohexane बनाएंगे, यह हो गया हमारा दोस्त वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना लिया, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये हो गया तीन हाइड्रोजन। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त तीन मोल हाइड्रोजन गैस बना। और बेंजीन के रिंग से देखिए दोस्त, यहां पर इस लाइन एंड के पास कार्बन रखा हुआ है, तो यहां पर दो CH3 ग्रुप है, तो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो इसको टोलू बोलते हैं।
इसका नाम हो गया दोस्त टोलविन। तो जब हेप्टेन प्रतिक्रिया करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 10 से 15 एटीएम प्रेशर पर, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1-methylcyclohexane बनता है। और फिर 1-methylcyclohexane फिर से प्रतिक्रिया करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पर और 10 से 15 एटीएम प्रेशर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टोलविन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो होने वाला रिएक्शन एरोमाटाइजेशन कहलाता है। चीते की चाल, बाज की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।